टी20 वर्ल्ड कप में भारत से साउथ अफ्रीका के बीच में 5 विकेट से भारत को करारी हार हुई, लेकिन फिर भी भारत ने जीता है साउथ अफ्रीका से इस मैच को। दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हो किस नियम से जीता है भारत ने इस मैच को, तो इस वीडियो को एक लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिए ताकि क्रिकेट की जैसी कोई वीडियो अपलोड करें उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। दोस्तों आपको बता दें टी20 वर्ल्ड कप 2022 में भारत ने पहले पाकिस्तान को 4-5 विकेट से हराया, उसके बाद नीदरलैंड को 56 रनों से हराया। इस तरीके से भारतीय टीम जो है नंबर टॉप पे बनी हुई थी, तो वही दूसरे नंबर पे लगी हुई थी साउथ अफ्रीका की टीम। लेकिन दोस्तों आपको बता दें 30 अक्टूबर को 3 मैच थे, एक बांग्लादेश और जिम्बाब्वे का, जिसमें पाकिस्तान मना रहा था कि आज बांग्लादेश जीत जाए, ऐसा ही हुआ, बांग्लादेश जीत गया। और दूसरा मैच था खुद पाकिस्तान और नीदरलैंड का, जिसमें पाकिस्तान मना रहा था कि वो खुद जीत जाए, तो पाकिस्तान जीत भी गया, ऐसा भी हुआ। और तीसरा मैच जो था भारत और साउथ अफ्रीका का था, तो पाकिस्तान ये दुआ कर रहा था कि आज का मैच जो है भारत जीते। क्यों? क्योंकि अगर साउथ अफ्रीका दूसरे नंबर पर लगी हुई थी, अगर भारत हारेगा तो पॉइंट में साउथ अफ्रीका ऊपर पहुंच जाएगी। वाकई में ऐसा ही हुआ, देखो आज भारत हार गया और पॉइंट में साउथ अफ्रीका ऊपर पहुंच गई। और अब बात करते हैं कैसे भारत ने इस मैच को जीता। जीतने की वजह ये रही भाई कि पाकिस्तान का लगभग 99% वर्ल्ड कप से सफ़र बिल्कुल कैंसिल हो चुका है, क्योंकि अब आ चुकी है पॉइंट टेबल में साउथ अफ्रीका नंबर 1 पे और नंबर 2 पे लगी हुई है भारत, नंबर 3 पे लगी हुई है अन्य टीमें। इस तरीके से पाकिस्तान बहुत ही नीचे पड़ी हुई है, तो एक तरीके से पाकिस्तान की बहुत बड़ी ये हार है जो कि वर्ल्ड कप से बाहर हो चुके हैं। इस तरीके से ये भारत की ये बहुत बड़ी जीत ही समझो आप।